नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम कच्ची हल्दी और अदरक का अचार बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी अचार होता है और कच्ची हल्दी और अदरक दोनों ही तासीर में गर्म होते हैं। इनका अचार ठंड के मौसम में ही बनाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। कच्ची हल्दी और अदरक का अचार बनाने के लिए हमने ये 200 ग्राम कच्ची हल्दी ली है, 100 ग्राम अदरक लिया है, 2 नींबू हैं और 10 हरे मिर्च हैं। ये सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से धोकर सुखाकर ले लिया है। अब हम इन्हें काटेंगे। तो हल्दी को काटने के लिए अगर हम ग्लव्स पहन लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हाथ पीले हो जाते हैं। हल्दी को हम इस तरीके से खुरच कर छीलेंगे। इसको पीलर से नहीं छीलें, क्योंकि पीलर से बहुत सारी हल्दी वेस्ट हो जाती है। तो ये सारे अदरक हल्दी पहले छील कर तैयार कर लेते हैं। अब हम इन्हें छोटा छोटा काट लेंगे, बाइट साइज में कर लेंगे इन्हें। इस तरीके के पीसेस बना लेते हैं सारे अदरक और हल्दी के। अब हमारे पास ये 10 हरी मिर्च हैं, इनको भी हम 3-4 टुकड़ों में काट कर तैयार कर लेते हैं। ये हमने एक एक मिर्च के 4 पीस बना दिए। अब हमने ये लिए हैं 2 नींबू, इनको हम इस तरीके से 2 पीसेस में काट लेते हैं। इनका हम रस निचोड़ कर यूज करेंगे। अब अचार बनाने के लिए एक पैन गरम कर लेंगे। अचार में डालने के लिए हमने साबुत मसाले लिए हैं कुछ, तो इसमें ये 4 छोटी चम्मच सौंफ है, 2 छोटे चम्मच मेथी के दाने हैं और 1 छोटी चम्मच काली मिर्च है। इनको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, बस 1 मिनट मीडियम गैस पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे। हमें इनकी नमी दूर करनी है। अगर मसालों को धूप में सुखा कर ले लें तो हमें भूनने की भी ज़रूरत नहीं है। मसालों को हमने 1 मिनट लगातार चलाते हुए भून लिया है, तो ये मसाले हम पीस लेते हैं। इन्हें हमें दरदरा पीसना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। मसाले तैयार हो गए, अब हम अचार बनाएंगे। तो पैन में हम 1/3 कप सरसों का तेल डाल देंगे। इसे अच्छा गरम करेंगे। तेल से धुआं उठ रहा है, तेल अच्छा गरम हो गया है। गैस बंद कर देते हैं और थोड़ा सा तेल को ठंडा होने देते हैं। तेल थोड़ा ठंडा हो गया है, हम इसमें 1 छोटी चम्मच सरसों के दाने डालेंगे। सरसों भुन चुकी है, हम इसमें 1 पिंच हींग डाल देंगे। और अब हम डालेंगे कटे हुए अदरक, हल्दी, मिर्च। दो छोटे चम्मच नमक डालेंगे और ये 4 छोटे चम्मच दरदरे पिसे हुए सरसों के दाने। और ये हमने सौंफ, मेथी के दाने और काली मिर्च को जो दरदरा पीसा था वो मसाले, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला दिए। इनमें सारे मसाले अच्छे तरीके से मिल गए हैं। अब हम इसमें नींबू का रस मिलाएंगे। अच्छे तरीके से मिला देते हैं। कच्ची हल्दी और अदरक का टेस्टी अचार बनकर तैयार है। बहुत आसानी से बन जाता है और बहुत जल्दी बन जाता है। अचार को पूरी तरह से ठंडा होने के बाद किसी भी कांच के कंटेनर या फूड ग्रेड प्लास्टिक के कंटेनर में भरकर रख सकते हैं। 3-4 दिन के बाद अचार तैयार हो जाता है। अदरक और हल्दी के अंदर सारे मसाले जज हो जाते हैं। बहुत टेस्टी अचार बनता है। इस अचार में हमने नींबू का रस डाला है, उसकी जगह 2-3 टेबल स्पून सिरका भी डाल सकते हैं। अचार को बहुत लंबे समय तक चलाना है तो इसमें सिरका डाल दें या फिर अचार को तेल में डुबा कर रखें। अचार बहुत लंबे समय तक चलते हैं। तो आप कच्ची हल्दी और अदरक का अचार बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। मुझे आपके कमेंट के जवाब देने में बहुत अच्छा लगता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।